आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोमा टीवी में। और आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसके साथ ही आज की पहली टेक न्यूज़ है MI की तरफ से। MI का CC9 Pro लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको पेंटा कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आपको उसका जो मेन फीचर है वो है उसका 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको बता दूँ कि इसमें आपको मैसिव बैटरी यानी 5200 mAh की देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसमें आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, 6128 और 8256। ग्लोबली प्राइस लॉन्च हुआ है 6128 GB वेरिएंट का, वो है 43,000 और इसका 8256 की बात करूँ तो वो है 51,000 के लगभग। इसके साथ ही इसमें आपको HDR सपोर्ट मिलता है, और इसके फीचर की बात करूँ तो इसमें आपको 6.47 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता है। और इस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया है पेंटा 5 कैमरा, और वो भी 108 मेगापिक्सल का फीचर रखा है उसने, अपना इतने अच्छे फीचर्स इस मोबाइल में डाले हैं और इतना कम प्राइस रखा है, इसलिए दूसरे मोबाइल को बहुत ही टक्कर देता है। दूसरा इतना अच्छा मोबाइल लॉन्च किया और स्पेशल फीचर दिए हैं, ये तो ग्लोबली प्राइस है इसकी। जब इंडिया में आएगा आपको मैं अपडेट देने अलग से आपको वीडियो बता के इसके फीचर्स और क्या क्या चीज़ है इसमें आपको बता दूंगा। न्यूज़ की तरफ बढ़ते तो वो है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला का जो मोबाइल मोटो वन पापर, इसमें आपको जल्दी एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिलेगा और इसमें आपको नोटिफिकेशन आएगा, और आप इसे जल्दी आप मोटो वन पापर को एंड्रॉयड 10 बेटा वर्जन में आपको अपडेट देखने को मिलेगा और आप अपडेट कर सकते हैं। अगली न्यूज़ की बात करता हूँ वो है हुआवे की तरफ से। हुआवे अब अपना एंड्रॉयड 10 बेस्ड EMIUI 10 जल्दी रिलीज़ करने वाला है, और इनका जो फ्लैगशिप फ़ोन था P30 सीरीज़ और M20 सीरीज़, इसमें आपको इस महीने के एंड तक जल्दी देखने को अपडेट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दूसरे मोबाइल में आपको अगले महीने देखने को मिलेगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ता हूँ तो वो है वीवो की तरफ से। वीवो का S5 में आपको स्नैपड्रैगन 712 SoC देखने को मिल सकता है, और ये इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा, और इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले, और इसके बैक में आप देख सकते हैं आपको इसमें 5 कैमरा देखने को मिलेंगे पेंटा कैमरा, और ये वीवो की तरफ से पहला मोबाइल होगा जिसमें आपको पेंटा कैमरा देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ता हूँ रियलमी की तरफ से। तो रियलमी ने अपना रियलमी X2 प्रो मोबाइल अब ऑफिशियली इसका लैंडिंग पेज फ्लिपकार्ट में देख सकते हैं, जो कि 20 नवंबर को अब लॉन्च होगा इंडिया में, और ये ऑफिशियली है और आप इसे 20 नवंबर के बाद खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो फ्लिपकार्ट ने अपना मार्क टर्बो स्ट्रीमिंग स्टिक टीवी स्टिक लॉन्च कर दिया है, जिस जो कि आपको फ्लिपकार्ट में आपको 3500 का देखने को मिलता है। इससे आप टीवी और वेब सीरीज़ और बहुत सारी चीज़ चला सकते हैं, इसमें आपको DDR3 रैम देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, तो वो है MI की तरफ से। MI ने अपना MI एयर प्योरीफायर 3 लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको 10,000 में देखने को मिलेगा, और ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट में आपको अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगली न्यूज़ की बात करता हूँ वो है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक अपने फेशियल रिकॉग्निशन में वर्क कर रहा है, जिसमें आप आने वाले समय में आपको अपना फेसबुक ओपन करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन देखने को मिल सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना मोबाइल ऑफिस ऐप लॉन्च करेगा, जिसमें आपको एक साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट एक साथ देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने कन्फर्म किया है। और आज की टेक्निक यहीं पर ख़त्म होती है, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपसे लेता हूँ अलविदा, और आप हमेशा खुश रहें, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।